गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, संडे की सुबह प्यारी प्यारी मॉर्निंग को, प्यारी प्यारी मॉर्निंग में, हल्के की ठंडी में आप लोग को बहुत 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 अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। टिया बैठकर मेरी दूध बिस्किट खा रही है और देखिए एकदम टियारा सिर में लगा के, अभी इनको ये स्कूल से मिला है ना, तो अब ये नहीं उतारेगी। और कल है बेटे का मैथ का एग्ज़ाम, तो बैठकर अपना मैथ की तैयारी कर रहा है। अभी आप लोग ये सामान में मत जाइए, क्योंकि अभी मैंने रखा है, तो ये सब अभी थोड़ी देर में मैं उठा दूँगी। कल जो था टिया के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, मतलब सैटरडे को, और बच्चे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, सब एक जैसे ड्रेसेस में, और बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो म्यूज़िक वाले थे, उससे कॉपीराइट हो जाएगा। मैं उस कुछ झलक आपके साथ मैं ज़रूर पेश करूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ से 1 बजे निकले थे और घर आते आते 7 बज गया, क्योंकि प्रोग्राम ही 6:15 बजे तक ख़त्म हुआ। और सबसे अच्छी बात ये है कि टिया की 3 दिन के लिए छुट्टी हो गई, मतलब वेडनेसडे तक उसका स्कूल बंद है, थर्सडे से खुलेगा, उसके बाद टिया के सेकेंड यूनिट एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं। स्कूल कितना का गेट देखिए, कितना सुंदर सा है। देखिए धूप अच्छी खासी निकली है, 2-3 दिन तक एकदम ही धूप नहीं थी, जिस वजह से कपड़े वगैरह बिल्कुल सूख नहीं रहे थे। तो आज अच्छी खासी धूप निकली है, इसलिए कपड़े वगैरह काफ़ी अच्छे से फैला दिए, क्योंकि कपड़ों में जब तक धूप नहीं लगती ना, बड़ा अजीब सा उसमें सा स्मेल टाइप का लगता है। धूप ज़रूरी है कपड़ों में। एक ही मॉर्निंग है और तो सुबह सुबह सबने थोड़ी थोड़ी गर्म गर्म जलेबी खाई। मैं एक चीज़ आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये मंगाया था टिया के लिए, और ये 400 ग्राम का डब्बा है, और इसका साइज़ देखिए अच्छा खासा बड़ा है, मतलब बड़ा ही है, लेकिन क्वांटिटी इसकी कम से कम यहाँ ये जो ग्रीन वाला जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक रहता है। मतलब सोचिए डब्बा इतना बड़ा और एकदम यहाँ से है, तो इसके लिए मैंने वहाँ पर थोड़ा सा कमेंट में लिखा था, जहाँ से मैंने लिया था मैंने उस पर वो किया था कि कंटेनर के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसको सेकेंड टाइम ऑर्डर किया, तो ये देखिए, ये देखिए ये वाला है, आया है परसों, ये मैंने बेटे के लिए मंगाया है, ये वाला मैंने बेटे के लिए मंगाया है, और इसका ये देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा छोटा आया है। मतलब क्या पता नहीं कि ऐसा मिलता है कि मैंने कंप्लेन करने पर हुआ, आई डोंट नो। और मैंने यहाँ पर सबके लिए एक एक एग बॉयल करने के लिए रख दिया है, और ये मैंने देखिए आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, एकदम बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा है, और इसका मैं बनाऊँगी एकदम सिंपल तरीके से। चलिए मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और इनको देखिए, ये माँ दुर्गा की मूर्ति को पेंट कर रहे हैं। ये मैंने देखिए एक पतीले में मैंने लिया है पानी, और इसमें मैं डाल रही, इसमें मैं डाल दूंगी ये कटे हुए सारे आलू। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए ये मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ देखिए थोड़ी सी हल्दी और नमक। इसमें देखिए मैंने ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। की बोल चो? बटरफ्लाई की खबर दीछ। अच्छा ठीक, अच्छा नहीं, हाँ रखे दो खेने पे। फिर अब इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा, देखिए ऑयल बहुत ही थोड़ा सा, कम से कम एक बूंद बस। और ये ऑयल मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है वुड प्रेस्ट का मस्टर्ड ऑयल, बहुत ही हेल्दी विथ 0% कोलेस्ट्रॉल। बस इसको हम धीमी आंच पर पकने देंगे और इसको ढक देंगे। इसको धीमी आंच पर कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे, एकदम पक जाएगा। जब पक जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। टिया तुम्हें की पढ़ चो? आज देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है। सुबह ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं ब्रेड टोस्ट, गरम तो थक भी। जो आलू वाली सब्जी है बिल्कुल एकदम सिंपल बनी है, मम्मी ने रोटी और ये आलू की सब्जी खाई है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है।
थोड़ा सा देर से ये वाला जो टोस्ट है वो जल गया। तुम्हें तो बोले हमें कॉफी खाबो ना, तुम्हें तो बोले हमें कॉफी खाबो ना, तुम्हें तो बोले हमको गरम गरम कॉफी पीना है। नहीं घरे वो से खाओ ना कॉफी, गाय पोड़े अबे नहीं। अभी ठंडी का सीजन आ गया है तो कश्मीरी वाले खूब जाते हैं, तो कल देखिए ये कश्मीरी वालों से ये मम्मी ने मुझे 4 सूट दिलवाए हैं। एक तो ये है, ये वाला सूट देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है, ये रंग इसमें शायद ऑरेंज आपको लग रहा होगा लेकिन ये मैरून कलर का है। ये देखिए ये वाला सूट है, ये इसका कलर, और ये पूरा जैसे एक लंबी सी साड़ी जैसी होती है बिल्कुल वैसे ही है, उसी में ही ऊपर कुर्ते का कपड़ा, नीचे पैंट बनाने का कपड़ा और दुपट्टा पूरा इसमें, बहुत जैसे लंबी साड़ी होती लंबी से बिल्कुल वैसी है। तो एक सूट तो ये हो गया, और ये वाला है, ये रेड कलर में है, ये रेड कॉन्ट्रास्ट में है, रेड और इसका ये कुर्ता है और ये ग्रीन कलर का उसका पैंट है। और ये एक मैंने लिया है, ये भी देखिए ये एक है ग्रीन कलर का, एकदम सी ग्रीन कलर का बहुत प्यारा सा, ये एक वुलन सूट है, और एक सूट ये है, ये भी बहुत सुंदर सा है, ये जो मेहंदी कलर होती है बिल्कुल ऐसा है, और इसका डिज़ाइन देखिए बिल्कुल ऐसा है। तो इसमें शलवार बनाओ, मैंने सोचा है मैं इसका पैंट बनवाऊँगी, एकदम बहुत ही गर्म सूट का बहुत सुंदर सा कपड़ा है। तो ये कश्मीरी वालों से मैंने लिया, ये पीछे का ये देखिए बिल्कुल ऐसे। और देखिए ये तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, ये भी एक जैकेट है, वो जो जामुनी वाला कलर होता है, ये हस्बैंड के लिए, ये भी मम्मी ने दिलाया है, बहुत खूबसूरत सा, और इतना गर्म है, कल रात को इन्होंने पहना तो काफ़ी दूर पर एक पार्टी में गए थे, मतलब इतना ज़्यादा गर्म था कि उसे अंदर से एकदम पसीना आ गया कह रहे थे, और ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। और देखिए इसमें दो साइड पॉकेट भी है, पॉकेट में बहुत ज़्यादा स्पेस भी है, और द मेन थिंग इसमें ना दो दो कलर है, अंदर बाहर दोनों तरफ से आप इसको पहन सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड में एकदम अच्छा खासा स्पेस है, और ये देखिए ये इस साइड से भी आप पहन सकते हैं और इस साइड से भी पहन सकते हो। तो ये वाला जैकेट का कलर मुझे बहुत पसंद आया था। दादा दादा के दाओ ना उठा तुम्हें नहीं ना, कि सुंदर गला फुलटा लग चुका तो करे उठ चीज पड़े। अभी गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा आला, जितने भी वाइट कपड़े आप भिगो तो सच में बहुत ज़्यादा साफ हो जाते हैं। सिर्फ इसमें सफ़ेद वाले कपड़े, और बेटे का तो स्कूल का पैंट इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, हफ्ते में एक ही दिन है। ये देखिए पता नहीं क्या क्या लगा कर आया है। बेचारी मेरी परेशान है, ये नीचे वाला आ करो नीचे वाला दांत उसका हिल रहा है। बली उली क्या दांत टूट गया? दांत टूटा का नहीं, अभी हिल रहा है। अच्छा, ये मम्मी किचन में है और ये यहाँ पर बन रहा है मूंग दाल वाली खिचड़ी, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है वो जो पतली पतली खिचड़ी, उससे मटर गोभी और आलू वो बना के जो पतली पतली वाली खिचड़ी, मुझे वो आज मैंने माँ से बोला तो मम्मी वही देखी बना रही है। ये चावल, मूंग की दाल और ये मटर, ये हल्दी और मसालों से भून रही है, और ये कुकर में इन्होंने देखिए ये भून के रखा हुआ है, और ये बन रही है आंटी के लिए चाय। बस गैस भर जाए और कुकर को बंद कर देंगे, मतलब सीटी बजने की नौबत नहीं है इसमें। की कर छु तुम्हें बाहरे बोसे? हाँ टियारा पोड़े, टियारा पोड़े। खिचड़ी बनकर रेडी, लाई भैया। एक पार्सल रिसीव हुआ, अभी मैं आपको इसको खोलकर दिखा रही हूँ। बायोटिक का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और ये देखिए मेरी टिया का दांत टूट गया, दांत टूट गया, टिया का दांत टूट गया, टिया बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई गई हूँ, क्योंकि अभी जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि ना वो जो आयरन वाला जो प्रेस होता है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो सोच रही हूँ वही एक तो
मार्केट से ले लूँ, तो चलिए वहाँ से आकर आपसे बात करते हैं। तो बैठ रही हूँ रिक्शे में, तो अब यहाँ से मैं सिविल लाइन्स तक जा रही हूँ, सिविल लाइन्स नहीं उसके पहले ही जाऊँगी, और फिर उसके बाद हस्बैंड वहाँ से आएंगे, वो मुझे वहाँ से पिकअप करेंगे। हस्बैंड ने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी, तो सर्विसिंग इसकी हो चुकी है। तो अभी हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम में ही हैं, सर्विस सेंटर में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अभी बज रहा है शाम के 6:30 और थोड़ी देर पहले ही हम लोग आए हैं। रास्ते में इतना ज़्यादा जाम लगा रहता है कि कुछ कहने को नहीं, क्योंकि शादी का सीज़न भी और बारात भी लगी रहती है, और ये बेचारी अपने दांत दिखाने में ज़्यादा बिजी है। मम्मी मेरा दांत टूट गया, क्यों छे बोलो। तो जिस काम के लिए मैं मार्केट गई थी, मतलब मेरा जो मेन वो था जाना, वो आयरन लेना, वो आयरन मुझे मिल गया। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये मम्मी के लिए मैंने लिया है एक मूसली, ये मैंने बच्चों के लिए लिया है वेफर्स, ये लिया है मिक्स्ड डालमोट, और ये एक आलू भुजिया जो मेरी टिया को बहुत पसंद है, बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ये खट्टा मीठा डालमोट, और ये नॉर सूप के पैकेट जिसमें एक मिक्स दो मिक्स है, और एक है हॉट एंड सार वेजिटेबल सूप। दंत कांति टूथपेस्ट, मेरा सबसे फेवरेट मामा अर्थ का एक स्क्रब, और एक है ये फेस वॉश। ये एक वर्मिसली का पैकेट नमकीन सेवई बनाने के लिए, बच्चों के लिए चोकोस, और ये एक एक्सो डिश वॉशर के लिए, और ये फिलिप्स का मैंने एक आयरन लिया है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो आयरन था वो ख़राब हो गया, तो ये मैंने आज शॉपिंग की। ओ आगे का मोटर अच्छा ना बेटा, ताताड़ी आज में मम्मी अभी शाम की पूजा कर रही हैं। शाम को आंटी नहीं आई क्योंकि आंटी की तबीयत ख़राब है, तो वो फ़ोन करके बोल दी कि वो अभी नहीं आएंगी, तो अभी मैं बैठ के भिंडी काट रही हूँ। बोसे बोसे नीचे सब कंप्लीट करे ना। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल दे रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन होने तक, हल्का सा लाल होने तक फ्राई करेंगे। भिंडी को इसमें ऐड कर दे रहे हैं, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ ही हरी मिर्च को ऐसे खिला देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकने देंगे। माँ दुर्गा आकर चली गई, और ये अगले साल के लिए माँ दुर्गा का देखिए चेहरा बना रहे, बन चुका है, बस पेंटिंग हो रही है। अच्छा टिया जो लिपस्टिक लगाबे तो तुम्हें ओ करे दियो, वाओ कि सुंदर लगछे आमार मेकअप टाइम निकल करा करो। अच्छा टिया, टिया का मेकअप अब टिया के पापा करेंगे, चेक कर लेते हैं। भिंडी पक चुकी है, भिंडी रेडी। लास्ट में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी मसाला, ये हरी सन्स वाला बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल मसाला।
अब इसको 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और पकने देंगे और गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा तेज कर देते हैं और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। मेरा डिनर तो रेडी हो चुका है, अभी किसी को भूख नहीं है, बस थोड़ी देर बाद सब खाएंगे। तब तक मैं जा रही हूँ, कल तो बेटी का स्कूल बंद है क्योंकि 2 दिन उसकी छुट्टी है। बेटी का कल से एग्ज़ाम शुरू है तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी उसके कपड़े वगैरह सब ठीक तरीके से रख दूँ ताकि सुबह परेशानी ना हो। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठंडी बहुत आ रही है। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।